पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य को अपनी समस्याओं के बाबत ज्ञापन देने पहुंचे पीड़ित द्वारा लगाया गया आरोप चर्चा का केंद्र बन गया है। पीड़ित ने बताया कि वह रास्ते के मामले को लेकर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ से जाकर मिला। सांसद प्रतिनिधि द्वारा उसे लेटर पैड पर लिखकर दिया गया और कहा गया कि जाओ थाने पर दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके बाद पीड़ित ने जो बताया वह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम हो गया। पीड़ित ने आरोप लगा कि जो जैसे ही थाने पर जाकर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का पत्र सौंपा, रानीसराय के थानेदार भड़क गए और उसे भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उसे थाने में बंद कर बुरी तरह पीटा गया। उसके कान से कम सुनाई दे रहा है, जिसका इलाज वह सरकारी अस्पताल में करा रहा है। वह काफ़ी रोया गिड़गिड़ाया, लेकिन थानेदार नहीं माने। इतना ही नहीं, थानेदार द्वारा पीड़ित और पीड़ित की पत्नी का 151 में चालान कर दिया गया। बता दें कि रानीसराय थाना क्षेत्र में दबंगों द्वारा जबरन दीवार बनाकर सार्वजनिक रास्ते को बंद किया जा रहा है। इस संबंध में पीड़ित ने जब उप जिलाधिकारी सदर को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी, उप जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए रानीसराय थाना अध्यक्ष को तत्काल मामले की जाँच कर सार्वजनिक रास्ता किसी सूरत में बाधित न हो का निर्देश दिया था। रानी की सराय थाना क्षेत्र के ग्राम तमौली निवासी दलित विनोद पुत्र मूरत का आरोप है कि आबादी में काफी पुराना रास्ता है, उस रास्ते को शंकर पुत्र पप्पू जबरन दीवार बनाकर बंद कर रहे हैं, विरोध करने पर जान मारने की धमकी दे रहे हैं। इस बाबत वह सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के प्रतिनिधि से मिला था, जिसमें सांसद प्रतिनिधि द्वारा लेटर पैड पर लिख कर दिया गया था, जिस पर थाने में जाकर देने में उल्टे उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। आज पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगाई है। मामला इसलिए कहीं सुनवाई कोई हमारी नहीं हो रही है। हमारे जो है दीवार पे जो है हमारे पटीदार जब छतवाली मार रहे थे, इसी के लेकर विवाद था। हम थाने गए, वहाँ पुलिस वाले गए, बोले कि यार विनोद उसकी औरत मौके पर गए, फिर बोले कि उसकी औरत समझाए कि छोड़ दो इसको, रास्ता किसी को नहीं रोका जाता है। उसकी औरत ने नहीं माना, बोले कि तुम SDM के चले जाओ विनोद, तुमको न्याय मिलेगा, रास्ता मिल जाएगा। मैं दूसरे दिन SDM के यहाँ आया, उसके बाद फिर जो है SDM साहब ने आर्डर किया, फिर बोले कि इंस्पेक्टर को देना और किसी को न देना, तुमको रास्ता मिल जाएगी। और फिर मैं सांसद के यहाँ भी गया था, वहाँ से भी उनका पद वो निरहुआ जो है दिनेश लाल निरहुआ, वो बोले कि ये भी तुम इंस्पेक्टर को दे देना, तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। लिख के दिए थे, वो अपना पैड लगाए थे, आप पूरा लिखे थे कि जो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, रास्ता किसी कोई नहीं रोकता है और रास्ता तुम्हें मिल जाएगी। मोहर लगी थी उसमें? हाँ, मोहर लगी थी, पूरा जो दोनों में मोहर लगी थी। क्या बोले? बोले कि जाओ जो ना दोबारा ना जो सुनवाई और दोबारा आना मेरे पास और उन्हीं के देना। हमने कहा साहब कोई बात हुए तो, बोले कोई बात नहीं होगी, बस तुम मुझे देना। सांसद थे कि नहीं उनके प्रतिनिधि थे? सांसद तो नहीं थे, उनके और आदमी थे, बोले कि ले जाओ, मोहर लगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब थाने गए तो क्या हुआ? थाने पर गए हम, हमारी औरत दूसरे थी, तो जो है ना इंस्पेक्टर को दिए हम, इंस्पेक्टर उसको पढ़ा भी नहीं, बोला बंद कर। क्या बोले? वो इसको बंद करो जो है बार बार आता है। हमने कहा रहे साहब इसलिए SDM का आर्डर है, जो है सांसद जी का वो है, देख लीजिए पढ़ लीजिए। नहीं माने, अंदर बंद करवा दिए। उसके बाद अजय प्रताप जो है सिंह पुलिस जो इतना गिरा कि हमको मारा चमार, वो है आए आए तुम जो है वो बार बार करने परेशान करने। हमने साहब हमको रास्ता जरूरत, हम नहीं जो आए, हम कहाँ से निकले, कोई रास्ता और बाहर से है भी नहीं। इतना मारे जो है हमारे कान से दोनों कम सुनाई दे रहा। फिर हम दवा लेने जो है आए, उसके बाद जो SSP क्या भी दरखास्त की, अब देखिए हमको न्याय मिलता कि नहीं मिलता। मुकदमा भी आपके खिलाफ लिखा गया है? मुकदमा तो जो है 151 में चलान हुई, हमारी और उसको दोनों हो गए चलान। बताइए आप, सांसद SDM से लोग बढ़ के हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, काम जहाँ क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमको रास्ता मिल जाए, जो पुलिस वाले हमें मारे उन पर कार्रवाई हो जाए, ताकि दोबारा किसी गरीब कोई लोग ना मारे। अगर आपको हमारी चैनल की खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।